हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली पेपर हो ही चुका यार, ठीक है। 22 तारीख को था, आप सबने दिया होगा, मैंने भी दिया था। तो पेपर तो मॉडरेट था, ठीक था। तो मेरा पेपर जो था फर्स्ट शिफ्ट में था, पर जैसा कि बताया जा रहा है कि पेपर जो था सेकंड शिफ्ट का जो आया था, थोड़ा वो फर्स्ट शिफ्ट से कंपेरेबल टफ़ कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले जो सेकंड शिफ्ट थी उसको काफ़ी लोगों ने ये बताया कि पेपर जो है अच्छे लेवल का था। खासकर रीजनिंग पे काफ़ी फ्रेंड्स ने मेरे बताया कि फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले टफ था। देखते हैं फिलहाल क्या होता है, अभी तो खैर नॉर्मलाइजेशन का गेम चलेगा इसमें। तो अगर कट ऑफ की बात करी जाए तो कट ऑफ का क्या सिनेरियो लग रहा है, तो जो वैसे तो इसकी स्टेट वाइज अलग अलग कट ऑफ आएगी, जो भी ओवरऑल कट ऑफ इसकी आनी है, फिर भी एक ओवरऑल आइडिया जो कट ऑफ का ये रहेगा कि क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या नहीं रह सकती है। तो मैंने इसे थोड़ा सा एनालाइज़ किया जैसे मैंने देखा और मेरे फ्रेंड्स ने दिया था और कुछ पिछले साल के ट्रेंड्स के बेसिस पे, तो मैंने इस पे यही वीडियो बनाई थी, ठीक है। अब क्योंकि काफ़ी लोग उत्सुक होते हैं कट ऑफ जानने को, कट ऑफ कितनी रहेगी, और सही भी यार, कट ऑफ का गेम खेलना चाहिए अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं। तो उसी को लेकर मैंने भी एक वीडियो बनाया। वैसे तो काफ़ी वीडियो आ चुकी है मार्केट में कट ऑफ से रिलेटेड, और आने वाले कुछ घंटों में वीडियो आती ही रहेंगी इसी तरीके से, लेकिन फिर भी जो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, पहले मैं अपना बता दूं, कभी कुछ लोग करें कि आपने कितने कमेंट किए, ठीक है, आप वीडियो बनाने चले हो, तो मैंने खुद 140 प्लस अटेम्प्ट हैं और बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो ठीक है, अब कट ऑफ पे बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी रहेगी। तो सबसे पहले जो वैसे तो अभी नॉर्मलाइजेशन लगेगा, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन लगेगा, लेकिन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो कट ऑफ रह सकती है अप्रॉक्सीमेट, जैसे मेरे को आइडिया उस हिसाब से कितनी रहेगी, ठीक है। तो जनरल की जो मुझे लग रही है 137 प्लस से ऊपर नहीं जाएगी, मतलब 137 से ऊपर नहीं जानी चाहिए जनरल की। अब इसका आप लोअर साइड अगर जानो तो 127 से 128, क्योंकि जहां मेरा एग्जाम था सेंटर पे पूरी अटेंडेंस थी, ठीक है, काफ़ी पब्लिक पेपर लोगों ने छोड़ा नहीं है, जैसा लग रहा था कि पेपर छोड़ेंगे, उस दिन काफ़ी एग्जाम थे 22 तारीख को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अटेंडेंस काफ़ी थी इस वाले पेपर में, तो मेरे सेंटर पर तो अटेंडेंस काफ़ी थी, ठीक है। तो जैसा लग रहा है कि यार 137 से ऊपर नहीं जाएगी इसमें कट ऑफ, जैसा पता चल रहा है अभी बात हो रही है लोगों से, लोगों के अटेम्प्ट क्वेश्चंस, और जो लोअर साइड इसका रहेगा वो 128 से 127 तक रह सकता है, ये जनरल की बात थी, ठीक है। इसी तरह अगर EWS या OBC की बात करें तो 10 नंबर उनके कम कर दो तो 120 और 128 ले लो, तो 120 से 128 एक अच्छा अटेम्प्ट है अगर एक्यूरेसी अच्छी है। अब कोई कहे कि 160 में कर गया हूँ लेकिन एक्यूरेसी का कुछ पता नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एक्यूरेसी बैंकिंग में आपको जैसे आपको पता है सबसे ज़्यादा मैटर करती है, जो मैटर करता है, और SC ST का जो कट ऑफ है वो 115 से लेके 122 तक, ठीक है। तो तीन कट ऑफ के मैंने ऊपर बात करी है, एक तो जनरल की, OBC की, SC ST की। तो जनरल की 137 मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं लग रहा जैसे अभी तक बात हुई। इसी तरह से OBC की जो है, ठीक है, OBC की 127 अपर वाली बात है मैक्सिमम, और SC ST की जो है ये 122 तक आपका अच्छा अटैम्प्ट, अगर इतना आपके हो रहे हैं तो बहुत अच्छे चांसेस में सिलेक्शन के, क्योंकि इसके ऊपर बहुत रेयर सुना है या फिर सुना है तो वही है कि एक्यूरेसी लोग मेंटेन नहीं कर पाए हैं जो इसके ऊपर अटैम्प्ट करके आए, ठीक है। तो चलिए, कि मेरा भी अटैम्प्ट था तो मैंने एक वीडियो बनाया, अब देखते हैं कट ऑफ फाइनल क्या रहती है, और अगर यही रहे कट ऑफ तो वापस आके इसको सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना। अभी करना चाहो तो आपकी इच्छा है, नहीं करना चाहो मत करना, लेकिन जब रिजल्ट आए अगर यही रहती है जो बताया तो आके लाइक कर देना, ठीक है। चलो ठीक है फिर।